हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर मोटो बीएचपी। अगर आपका बजट है 10 लाख रुपए और आप खरीदना चाहते हैं 2023 में एक एसयूवी कार, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी हुई है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ बड़ी कारें जो कि आपको 10 लाख के प्राइस ब्रैकेट में ऑन रोड मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कारें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इनमें माइलेज भी अच्छा मिलता है, इंजन बड़ा मिलता है और आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इन पांच गाड़ियों की। तो लिस्ट पे बात करते हैं नंबर फिफ्थ पे। तो नंबर फिफ्थ पे आती है निसान की मैगनाइट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आने वाली अच्छी माइलेज और बेटर सेफ्टी फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाली कार चाहिए, बजट आपका कम है लेकिन आपको एक टॉप मॉडल कार चाहिए 10 लाख के बजट में, तो आप इस कार को कंसीडर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, निसान मैगनाइट में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं 10 लाख के प्राइस ब्रैकेट में। वेरिएंट की बात करें तो 10 लाख रुपीज़ में इसका आपको टर्बो एक्सएल वेरिएंट मिल जाता है, वहीं आपको प्रीमियम एक्सवी वेरिएंट भी मिल जाता है। इन दोनों ही वेरिएंट में आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आपको थोड़ा सा अच्छा पावर वाला इंजन चाहिए तो आप टर्बो एक्सएल वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जो कि 9,47,000 का पड़ता है। वहीं अगर आपको पावर इतनी नहीं लेकिन प्रीमियम फीचर्स चाहिए तो आप एक्सवी वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि 9,86,000 रुपीज़ का पड़ता है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्सवी प्रीमियम वेरिएंट के स्पेसिफिकेशंस की, जिसमें आपको सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको 999 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 71 bhp की पावर, 96 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, 18.75 km का ये माइलेज जनरेट करती है। वहीं इसमें आपको एलॉय व्हील्स भी मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है, उसी के साथ साथ कीलेस एंट्री और स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। वहीं बात करें पर्टिकुलरली इस कार के सेफ्टी फीचर्स का, ABS, ब्रेक असिस्ट, सेटल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। वहीं एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन में आपको रेडियो, फ्रंट रियर स्पीकर, इंडिविजुअल ऑडियो सिस्टम, ब्लूटूथ, USB कनेक्टिविटी मिल जाती है और 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, अगर आप इसे कंसीडर करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी प्रोवाइड कर देती है। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली गाड़ी की, तो वो है Hyundai Exter। जी हाँ दोस्तों, Hyundai Exter भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि भारतीय कार बाजार में आपको काफ़ी अच्छी स्पेस प्रोवाइड कर देता। भले ही ये आपको मिनी SUV कैटेगरी में आती है लेकिन इसका जो लुक है वो आपको एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट SUV का मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हेडरूम अच्छा मिल जाता है, वही आपको जो फ्रंट सीट पे सीट्स मिलती है वो काफी ज्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल मिलती है। तो अगर आपको बजट 10 लाख के आसपास है और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी गाड़ी देख रहे हैं प्रीमियम, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसका टॉप एंड वेरिएंट SX वेरिएंट आपको 9,98,000 रुपीज में मिल जाता है। इसका SX ऑप्शनल वेरिएंट में आपको सनरूफ भी देखने को मिलता है, सो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है, जिसमें आपको मेजरली 20 फीचर सनरूफ वो देखने को मिल जाता है। सो SX ऑप्शनल वेरिएंट के हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, इसमें आपको 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 1,197 cc का आता है, जिसमें 81.80 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिलता है। फ्यूल परफॉर्मेंस में 19.4 km का माइलेज जनरेट करती है, 6 एयरबैग्स आ जाते हैं गाड़ी में, वहीं आपको ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक मिल जाते हैं। और बात करें इसके एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन फीचर्स की, तो रेडियो, फ्रंट रियर स्पीकर, वायरलेस चार्जिंग, USB ऑक्सिलरी इनपुट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड रोड टू एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वेरिएंट है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। सनरूफ, सभी कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। उसके एलॉय व्हील्स भी आपको पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, जो कि इसी वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लिस्ट में आगे बात करते हैं अगली गाड़ी की, तो वो है मारुति सुजुकी ब्रेजा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जेन्युइनली काफी बड़ी दिखने वाली गाड़ी चाहिए, यानी भले ही आप इसका 10 लाख में आपको LXi पेट्रोल वेरिएंट बेस मॉडल मिलता है, लेकिन इस गाड़ी के लुक्स इंटीरियर और एक्सटीरियर से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और काफी बड़े बड़े आपको फील कराते हैं। बात करें LXi पेट्रोल वेरिएंट, जो कि इसका बेस वेरिएंट जो कि आपको अंडर 10 lakh rupees मिल जाता है, तो वो है इसका 9,67,000 rupees का। जी हाँ दोस्तों, ऑन रोड ही आपको 9,67,000 rupees को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें LXi पेट्रोल वेरिएंट के इंजन स्पेक्स, तो इसमें आपको K15C पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 1,462 cc का आता है, जिसमें 101 bhp की पावर, 136 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं ये आपको 20 km का माइलेज जनरेट कर देती है। गाड़ी के कंफर्ट कन्वीनियंस की बात करें तो पावर स्टीयरिंग, फ्रंट रियर पावर विंडो, एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, सब कुछ ही मिल जाते हैं। वहीं इस गाड़ी के आगे बढ़ते हुए बात करें सेफ्टी फीचर्स की, वो ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन फीचर्स में बेस मॉडल होने की वजह से SS आपको नहीं मिलता, लेकिन आप कंपनी से ही आफ्टर मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम साउंड सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं, वहीं कंपनी से भी आप इसे करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कार है, अगर आप बजट 10 लाख है तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। लिस्ट में बात करें नंबर सेकंड कार की, तो वो है Hyundai Venue। जी हाँ दोस्तों, Hyundai Venue भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और अपीलिंग कार है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है
9,14,000 रुपीज से ई पेट्रोल वेरियंट की। वही अगर आप इसका एस वेरियंट लेते हैं जिसमें आपको फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, प्राइसिंग भी काफी ज्यादा और जस्टिफाइड मिल जाती है, यानी कि इसकी प्राइसिंग आपको पड़ती है एस पेट्रोल वेरियंट 10,48,000 रुपीज ऑन रोड। जी हाँ दोस्तों, 10,48,000 रुपीज ऑन रोड के प्राइस ब्रैकेट में आपको Hyundai Venue मिल जाती है। काफी अच्छी बात है, जो कि आपको एक अच्छा फील, अच्छा प्रीमियम इंटीरियर और एक्सटीरियर प्रोवाइड कर देती है। वाइस स्पेस भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। सो बात की जाए इस पर्टिकुलरली एस पेट्रोल वेरिएंट के स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको 1.2 लीटर काबा पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 1197 सीसी का आता है, 81.80 bhp की पावर और 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। वही 18 का माइलेज देती है और 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार में आपको देखने को मिल जाती है। वही गाड़ी के कंफर्ट कन्वीनियंस में आपको पावर स्टीयरिंग, फ्रंट रियर पावर विंडो, एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। वहीं आपको बात कर सेफ्टी फीचर्स की, आपको ABS ब्रेकर से सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, टू एयरबैग्स, ड्राइवर पैसेंजर साइड मिल जाता है। एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन में आपको रेडियो, फ्रंट रियर मिल जाता है, इंटीरियर टू विंडो सिस्टम, 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड डोर टू एप्पल कारप्ले की वायरलेसली कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो काफी प्रीमियम और अच्छी कार है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। लिस्ट में बात करें नंबर 1 गाड़ी की, तो वो है टाटा नेक्सॉन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आने वाले 3 से 4 महीने में एक कार खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आप टाटा नेक्सॉन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली इसका फेसलिफ्ट जल्दी भारतीय कार बाजार में आने वाला है, तो अगर आप आने वाले 1-2 महीने में गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप बाकी की जो 4 महीने कारें बताइए उनमें से कोई कंसिडर कर सकते हैं। टाटा नेक्सॉन को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि इसका न्यू जनरेशन जल्दी भारतीय कार बाजार में आने वाला है, यानी कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर वो भारतीय कार बाजार में आ सकता है। मेजरली दिवाली के फेस्टिव सीजन तक ये भारतीय कार बाजार में लॉन्च हो सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, जिसमें आपको फीचर्स लुक काफी तगड़े मिलते हैं। पर्टिकुलरली हम टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के स्पेसिफिकेशंस की बात करें, इसके फ्रंट में आपको फुल्ली न्यू फेशिया देखने को मिलने वाला है, यानी इसका फ्रंट जो लुक है वो पूरा कंपनी चेंज करने वाली, जिसमें आपको कनेक्टेड LED रियरल्स, ट्राइंगल शेप LED हेडलैम्प्स, न्यू ग्रिल विद टाटा न्यू लोगो देखने को मिलने वाला, न्यू स्किड प्लेट देखने को मिलने वाली और बम्पर को कंपनी स्पोर्टी लुक देने वाली है। साइड पोर्शन से आपको ये स्लोपी डिजाइन देखने को मिलेगा, लेकिन छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस जरूर होंगे। इसमें आपको साइड में व्हील आर्क्स देखने को मिलेंगे, जिस गाड़ी को एक SUV की फील मिले, वहीं इसमें आपको 17 इंचेस के एक साइज बड़े काफी प्रीमियम और डुअल टोन कलर ऑप्शन में डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो गाड़ी को काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देंगे। रियर सेक्शन में आपको कनेक्टेड LED टेल लैंप्स देखने को मिलेगी, टेल गेट की डिजाइन उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, उसी के साथ साथ बम्पर की डिजाइन उसे भी कम्प्लीटली यूनिक बना दिया गया है। वही बात करें अपर सेक्शन की, तो आपको करंट जनरेशन से बड़ा सनरूफ मिलेगा, रूफ रेल्स मिलने वाली है, उसी के साथ साथ शार्क फिन एंटीना भी मिलेगा। बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर इसका काफी ज्यादा गजब का रहने वाला है। इसमें आपको 2-स्पोक की स्टीयरिंग व्हील मिलेगी विद हैप्टिक कंट्रोल यानी टच कंट्रोल के साथ, जो कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक रहने वाली है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो काफी ज्यादा इंप्रूव ग्राफिक्स के साथ आएगा, वही 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट पैनल मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको लेदर इंटीरियर मिलने वाला है। मिड कंसोल जिसमें आपको गियर लीवर की प्लेसिंग मिलती है, उसे भी कम्प्लीटली एक जो लग्जरी कार होती है वैसा बना दिया गया है। गाड़ी को काफी ज्यादा न्यू अवतार में कंपनी लॉन्च करने वाली है, तो आप इस कार का भी वेट कर सकते हैं अगर आप टाटा नेक्सॉन ही खरीदना चाहते हैं। वही बात करें इसकी प्राइसिंग की, इसकी प्राइसिंग आप मान सकते 8.5 लाख रुपए के आसपास रह सकती है। वही इंजन में आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रिवोल्यूशन पेट्रोल इंजन मिलेगा, वहीं आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिल सकता है। गाड़ी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ CNG में भी आ सकती है। वहीं इस गाड़ी की लॉन्चिंग आप मान सकते हैं कि नवंबर 2023 तक भारतीय कार बाजार में ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सपेक्टेड है कि हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं टाटा नेक्सॉन खरीदना तो आप वेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी टॉप 5 कार जो कि जल्दी भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जाने वाली है। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी ही न्यू वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।